पापा जी भूरी गाय गाय नहीं है वो बैल है। जेंडर भी समझ में नहीं आ रहा, बताओ। थक रही है तू तो कहता तू सिर्फ उससे प्यार करता है। अच्छा प्यार कर सकता हूँ सोनी से, मैं पहला कदम रखूंगा और तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे। हाउसफुल फ्रेंचाइजी में एक्टर से ज्यादा एक्ट्रेसेस पॉपुलर है। इस फ्रेंचाइजी की एक्ट्रेसेस हमेशा ही दर्शकों का अटेंशन अपनी ओर हासिल करती आई हैं, चाहे वो लारा दत्ता हो, लीसा हेडन हो या फिर श्रीलंकन एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ही क्यों ना हो, हर तरफ सिर्फ इनकी ही हवा होती है। वहीं इसी बीच हाउसफुल 4 के लिए काफी दिनों से रुके फैंस को जब ये पता चला कि इस बार उनकी फेवरेट एक्ट्रेस जैकलिन इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी तो लोग काफी निराश हो गए। सभी के मन में बस यही सवाल था कि जब हाउसफुल 4 में प्रीक्वल की सारी कास्ट वापस आ रही है तो फिर फिल्म से जैकलिन अचानक से एग्जिट क्यों हुई। मामले को डिटेल में जानने के लिए मीडिया हर किसी के पास पहुंची, जिसमें पता चला कि जैकलिन अचानक से फिल्म से एग्जिट हुई इसका कारण उनके एक्स बॉयफ्रेंड साजिद खान है। साजिद का कहना था कि वो पर्सनली और प्रोफेशनली जैकलिन के साथ कंपैटिबल नहीं है। फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के सामने दो ऑप्शन रखे गए थे, जिसमें उन्हें या तो साजिद खान को क्लोज करना था या तो जैकलिन फर्नांडिस को। सब जानते हैं कि नाडियाडवाला ने उस वक्त किससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। हाउसफुल 4 को छोड़कर जैकलिन पिछले तीनों पार्ट्स का हिस्सा रह चुकी थी। यही कारण था कि जब उन्हें अचानक से फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाया गया तो मीडिया की आंखें खबर को जानने के लिए बड़ी हो गई थी। जैकलिन के करियर का सबसे बड़ा ब्रेक हाउसफुल ही था, जिसे करने के बाद जैकलिन का नाम इंडिया के हर घर में पहुंच गया था। ये वो दौर था जब साजिद खान और जैकलिन के डेटिंग रूमर्स भी स्प्रेड होने लगे थे। जैकलिन को फिल्म हाउसफुल ने वो सब कुछ दिया जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर को बॉलीवुड से मिलने की उम्मीद होती है। ऐसे में फिल्म से बाहर होने पे उनके फैंस का दुखी होना तो लाजमी था। जैकलिन से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा है भी तो मुझे बस इस बात की खुशी है कि मैं पिछले तीनों पार्ट्स का हिस्सा थी और ये अच्छा एक्सपीरियंस था। सवाल जैकलिन से तब पूछा गया जब हाउसफुल 4 से उनकी एग्जिट को लेकर सिर्फ स्पेकुलेशंस किए जा रहे थे और कुछ भी कंफर्म नहीं था, पर जैसा कि सबने सोचा वैसा ही हुआ और साजिद ने जैकलिन को हाउसफुल 4 से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब हम इसे जैसे को तैसा बोले या कर्म बोले ये तो पता नहीं, लेकिन जैकलिन की फिल्म से एग्जिट के कुछ दिनों बाद ही साजिद पे मीटू का एलिगेशन लगा और उन्हें भी फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साजिद अब इस फ्रेंचाइजी से पूरी तरह से दूर है। वेल, वो तब तक तो दूर है जब तक अक्षय इस फिल्म का हिस्सा है। तो क्या हम ये मान लें कि हाउसफुल 5 में जैकलिन की रीएंट्री होगी? जी हाँ बिल्कुल, जैकलिन से फिल्म की कास्ट को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में उनकी हाउसफुल 5 में एंट्री हो सकती है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस बार अक्षय के साथ देने बॉबी देओल के अलावा जॉन इब्राहिम भी आने वाले हैं। जब से फिल्म से जॉन का जुड़ा है लोग ये भी स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि शायद दिशा पाटनी भी हाउसफुल 5 का हिस्सा हो सकती हैं और इसके कई कारण भी हैं। दिशा और जॉन का डुओ फिल्म एक विलन रिटर्न्स के बाद से लाइमलाइट में आया। इसी के बाद लोग इस डुओ को पसंद करने लग गए और अब फैंस इन दोनों को हर फिल्म में साथ देखना चाहते हैं। दूसरा कारण जॉन और दिशा की मेंटेन फिजिक भी है। नई जनरेशन की सबसे फिट एक्ट्रेस अगर कोई है तो वो दिशा पाटनी ही है। वहीं एक्टर में जॉन की फिजिक से सब वाकिफ है, यही कारण है कि इस जोड़ी को कंपैटिबल माना जाता है। तो ये तो कंफर्म है कि हाउसफुल 5 में जरूर ही इस जोड़ी की एंट्री होने वाली है। हाउसफुल 5 में इस बार अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन और बॉबी देओल साथ नजर आने वाले हैं। एक्ट्रेसेस को लेकर नाम अभी कंफर्म नहीं किए गए हैं, लेकिन दिशा को लेकर स्पेक्युलेशन लगातार जारी है। अब यही देखना होगा कि इस बार ये कॉमेडी फिल्म कितनों का हंसाती है। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।